ओम शांति। आज 15 मई है। पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। परिवार जब बोलते हैं तो माँ बाप, भाई बहन या बच्चे आ जाते हैं। फैमिली का बहुत अच्छा फुल फॉर्म मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि फैमिली माना फादर एंड मदर आई लव यू। जब बच्चा छोटा होता है तब उसको जो भी पालना अपने माँ बाप से मिलते हैं उसी आधार पर उसका मानसिक स्वास्थ्य बनता है और वो जीवन में आगे आ सकता है। फैमिली बहुत ज़रूरी है क्योंकि परिवार उसे कहते हैं जहाँ पर हम परिवार के हर सदस्य को स्वीकार करते उसे स्नेह देते हैं। तो जिस घर में परिवार अच्छा है, फैमिली है, अच्छी तरह से मिलकर सभी रहते उनका मानसिक स्वास्थ्य स्थिरता बहुत अच्छी रहती है। जब हम परिवार में रहते हम सुरक्षित रहते हैं क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं तब हमारा ध्यान रखा जाता है हमारी हर चीज़ों का। हमको जब टेंशन होता है तब हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ और बात करके हमारा टेंशन कम हो जाता है। जिस परिवार में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं वो परिवार के लोग बहुत सुखी रहते हैं क्योंकि सुख और दुख को वो साथ में एक साथ अनुभव करते हैं। भारत में तो इस कल्पना को बहुत विशाल रूप दिया गया है। भारत में ऐसे मानते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। आज के ज़माने में इसको ग्लोबल विलेज कहते थे पहले विश्व को, आज वो लिविंग रूम बन गया क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट हुआ है। तो अमेरिका में हम यहाँ से बात करते हैं भारत से तो ऐसे लगता है बाजू में, और आजकल तो हम देख सकते हैं। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं कि पहले जॉइंट फैमिली थे, माना बहुत सारे परिवार एक साथ रहते थे, 20-25 लोग घर में होते थे, लेकिन आज जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी कारण है, न्यूक्लियर फैमिली के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब तनाव बढ़ता है तो शेयर करने के लिए या घर में बड़े बुजुर्ग कम होते हैं तो किसके साथ शेयर करें? बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं क्योंकि माँ बाप दोनों ड्यूटी पर जाते हैं तो बच्चों को सिटिंग रूम में कहाँ रखा जाता है। तो उसके अलग इश्यूज हैं। हम देख रहे हैं आजकल का इंसान अकेला होता जा रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन बात किससे करें? और एक आजकल की चैलेंज है कि डिवाइस डिजिटल एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। परिवार में मैंने तो देखा, एक जगह पर दादा दादी से मिलने गए थे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, लेकिन दादा दादी एक तरफ और सभी मोबाइल के ऊपर चिपके हुए थे। तो हमारा सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य भी इससे अफेक्टेड है। एक कहानी मुझे याद आ रही है कि अफ्रीका में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक संशोधन किया कि कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनके सामने पेड़ के नीचे कुछ फल रखे और उन बच्चों को कहा कि आप में से जो भागकर उस पेड़ को पहले टच करेगा उसको वो सब फल मिल जाएंगे। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि सभी बच्चों ने हाथ में हाथ डालकर एक साथ उस पेड़ के पास गए और उसको टच किया। तब उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पूछा उन बच्चों से कि आपने ऐसा क्यों किया? तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर हमारे में से एक भी अगर भूखा है तो हम सुखी नहीं हो सके। देखो, अफ्रीका में ये विचार है और इसको उबंटू कहते हैं। तो ये विचार हम सबके लिए लागू पड़ता है। जिस घर में हम हैं, हमारे पड़ोस में या हमारी सोसाइटी में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है, जिसके वाइब्रेशंस होते हैं, आप सोचो इस पृथ्वी के ऊपर इस समय कितने दुखी लोग हैं, तो उनके वाइब्रेशंस आते हैं और हमको अफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा परिवार, विश्व का परिवार, हम सब विश्व के लिए आज से ही सोचना चालू करें क्योंकि उनके वाइब्रेशंस हमारे ऊपर आ रहे हैं। इसको सोशल कंटेजियन कहते हैं। ये वाइब्रेशन हवा में रहते हैं और हमको अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी हमको ये बताती है कि हम सब मनुष्य आत्माएं आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई है और हम सब के माता पिता परमात्मा है। तो हमारा ये एक परिवार ही है, पूरा विश्व एक परिवार है। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली है। तो आइए उस परमात्मा को जो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, उसको हम याद करें और प्यार के प्रकंपन पूरे विश्व में फैलाएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लोगों के साथ जुड़े रहें। और फिर से कह रहे कि परिवार माना ब्लड रिलेशन नहीं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो भी आपका परिवार है, आप इस जिस शहर में रहते हैं वो आपका परिवार है, आप इस जिस राज्य में रहते वो भी आपका परिवार है, आप जिस देश में रहते वो आपका परिवार है, ये पूरा विश्व आपका परिवार है। तो आइए परमात्मा को याद करें, पूरे विश्व के लिए सकारात्मक प्रकंपन भेजें और इस पूरे विश्व को, पूरे विश्व के परिवार को सुखी बनाएं, सबको सुख और शांति के प्रकंपन दें, हर एक को स्वीकार करें
हर एक को स्नेह और सम्मान दे। आज इस विश्व परिवार दिवस पर आप सबको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।